हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और हम थ्योरिटिकली पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं विद सम न्यूमेरिकल्स। लेकिन एक सेपरेट न्यूमेरिकल सेशन की बहुत जरूरत थी जो कि पिछले सालों के क्वेश्चंस लेकर के आएगा, तो आज वो लेक्चर मैं आपके आगे लेकर के आया हूं कि मैं खुद सॉल्व करूंगा हर एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, जो डिफरेंट टाइप है, ठीक है। उससे मिलती जुलती टाइप की प्रैक्टिस तो आपको भाई खुद करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास, इसलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो ओम्स लॉ पर, रेजिस्टेंस पर, सीरीज पैरेलल पर, देखो सीरीज पैरेलल पर पहले खूब क्वेश्चंस आया करते थे, ठीक है। आजकल आड़े तेड़े क्वेश्चन बनने शुरू हो गए हैं इस पर, जिन क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने लेक्चर के बीच में भी किया है। तो जरूर आपको लेक्चर के बीच में जाकर के जो क्वेश्चंस हैं, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहां पर मैं उनसे भी मिलते जुलते और कुछ नए और टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पावर, डेफिनेटली बनते हैं क्वेश्चंस। लगभग 8 नंबर का चैप्टर, 80 में से 8 नंबर का चैप्टर लगभग इलेक्ट्रिसिटी में से आता ही आता है, ठीक है। तो आप समझ लो कि आप बिना न्यूमेरिकल किए बच के नहीं निकल सकते, आपको न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे, थ्योरी थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो भैया कुछ आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो अपनी, उसको अपनी स्टडी टेबल पे रखो, सामने रखो, रोज देखो, निहारो, ताड़ो उसको, लिखो, उसको यूज करो, ठीक है ना। वो आपकी आंखों के आगे होनी चाहिए, चिपकी होनी चाहिए वो दीवार के ऊपर, ठीक है बच्चों। आओ, करंट का बेसिक फॉर्मूला I = Q/T, अरे याद करो, I = Q/T, Q का मतलब चार्ज, T का मतलब टाइम, I का मतलब करंट, कूलॉम्ब, सेकंड और एम्पियर, है ना, कूलॉम्ब, सेकंड और एम्पियर। तो ये बाय डेफिनेशन करंट का फॉर्मूला है, बाय कॉन्सेप्ट करंट का फॉर्मूला है। ऐसी वोल्टेज का बाय डेफिनेशन, बाय कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज, है ना, कितना चार्ज पर कितना वर्क डन किया गया। एक कूलम के चार्ज को बैटरी एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में कितना वर्क डन करती है, उसी को उस चार्ज से डिवाइड कर दिया, यानी एक कूलम की बात कर ली तो वही वोल्टेज होती है। इस तरीके से वोल्टेज को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। लेक्चर्स पूरे होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद, हम लोग ऐप के अंदर जरूर नोट्स डालेंगे, वो नोट्स जो आपको बोर्ड के अंदर लिख के आना पड़ेगा एग्जैक्ट डेफिनेशन, ठीक है। तो उनको अपने सामने रखना, फिर से लेक्चर को देखना, फिर से रिवाइज करना, आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसी करंट, ऐसी वोल्टेज, ऐसी ओम्स लॉ, इन दोनों को मिलाने वाला V = I * R, ठीक है जी। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। डिफाइन 1 वोल्ट, देखो आ गया, अभी बात कर रहा था मैं इसी की, 1 वोल्ट की डेफिनेशन आ गई। 1 वोल्ट का मतलब क्या, 1 वोल्ट का मतलब ये जब 1 जूल का वर्क डन किया जाए 1 कूलम के चार्ज पर तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। जब 1 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने में 1 जूल का वर्क डन किया जाता है तो वोल्टेज भी कितनी होती है, 1 वोल्ट होती है, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट ऑफ वर्क एंड चार्ज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। देखो आया हुआ है पहले भी बोर्ड के अंदर, ऐसे ही क्वेश्चन है, सारे मिक्स क्वेश्चन है, कुछ आए हैं, कुछ आ सकते हैं, कुछ मिलते जुलते आए हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना, वैल्यूज बदल के आई है। चलो देखो भाई क्या क्या दिया हुआ है, चार्ज और वोल्टेज, मतलब V दिया हुआ है, गिवन जरूर लिखना चाहिए आपको, 3 वोल्ट्स वोल्टेज है, Q 1 कूलम्ब है, आपसे बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालो, बोले तो वर्क डन निकालो, ये तो चाह रहा है आपसे, वर्क डन निकालवाना चाह रहा है। बोलो जी कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से बोल दो कौन सा फॉर्मूला, V = W/Q, Voltage = Work done upon charge, ठीक है। वोल्टेज की जगह वोल्टेज को रख दो, चार्ज की जगह चार्ज को रख दो, वर्क डन आ जाएगा 3 जूल, खत्म। ऐसे आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, देख रहे हो मैंने नहीं बनाया, बोर्ड का क्वेश्चन है भाई, वर्क डन इज इक्वल टू 3 जूल। आप बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे, आसान ही होता है बोर्ड बेटा, बोर्ड आसान ही है, बोर्ड मुश्किल नहीं है, सीबीएसई बोर्ड आसानी है,
देखो अगला क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, सीधा सीधा उठ करके बोर्ड में भी आया हुआ है। इफ इन प्लेस ऑफ बल्ब अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू द सोर्स कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय इट। ठीक है, दो क्वेश्चन है तो दो आंसर होंगे, जितने क्वेश्चन उतने आंसर, दो क्वेश्चन है तो दो आंसर होंगे। ठीक है, पहले मैं कह रहा कितना करंट मिलेगा, कितना करंट मिलेगा कब, जब वोल्टेज ली जाए 220 वोल्ट की और रेजिस्टेंस ली जाए 1200 की। फिर बदल दिया वोल्टेज तो उतनी रखी, रेजिस्टेंस बदल दी, रेजिस्टेंस सेकंड केस में लिया 100 ओम। ठीक है, बीच में लाइन डालते हैं, इधर इधर दोनों को सॉल्व कर देते हैं। गिवन लिखते हैं पहले, वोल्टेज कितनी है बेटा 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 1200 ओम, करंट निकालना है आपको। फॉर्मूला कौन सा, इन तीनों को मिला के कौन सा फॉर्मूला आता है, V equals to IR, V की जगह 220 रख दो, I आपको नहीं पता छोड़ दो, R की जगह आप 1200 रख दो, 1200 इसके डिवाइड में जाएगा तो करंट आ जाएगा बेटा 220 डिवाइड बाय 1200, है ना, जीरो से जीरो कट गया, 11 और 60। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी किया हुआ है, आप देखना चेक करना उसको। ठीक है, 11/60 एम्पीयर आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले केस में वोल्टेज तो वही रखी है, सेम कह रहा ना, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, उसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है, यानी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ यानी वोल्टेज सोर्स उतना ही है, वोल्टेज सोर्स 220 वोल्ट सी है, रेजिस्टेंस इसकी 100 ओम है, 100 ओम है। इस बार करंट कितना होगा पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं यार, V इज इक्वल टू आई आर फिर से, और क्या है। ठीक है, V की जगह 100, I नहीं पता, R की जगह सॉरी V की जगह 220, I नहीं पता, R की जगह 100, तो इधर चला जाएगा बेटा इसके डिवाइड में। ठीक है, 220 डिवाइड बाय 100, जीरो जीरो कट गया, पॉइंट पर जाएगा, 2.2 एम्पीयर आ गया। ठीक है ना, आप खुद देख सकते हो 1200 ओम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, करंट देखो बहुत कम आया है, रेजिस्टेंस कम थी, करंट थोड़ा सा बढ़ गया है, 2.2 एम्पीयर हो गया है। ठीक है, ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, करंट ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ओके, एक 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है एक अननोन रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस ही निकालनी होगी। जब आगे क्या कह रहा है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पीयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, मिली एम्पीयर, आओ गिवन देखो, करंट कितना 2.5 मिली एम्पीयर। ठीक, वोल्टेज कितनी 12 वोल्ट्स। ठीक है, अच्छा मिली एम्पीयर को मिली एम्पीयर में रहने दो या चेंज करूं, तो आंसर है चेंज कर दो यार। ठीक है, कर दो यार इसको चेंज, 2.5 मिली को एम्पीयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 10^-3 एम्पीयर होता है। ठीक है, याद करना, ये बताया हुआ मैंने सब कुछ आपको। ठीक है, करंट हो गया 2.5 के बाद -3 एम्पीयर, वोल्टेज हो गई 12 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालनी है यानी आर निकालनी है, तो वी बाय आई ओम्स लॉ से, है ना, बाय ओम्स लॉ, ऐसे लिख देते तो अच्छा लगता है, ऐसे रीजन भी लिख देगा, बाय ओम्स लॉ, आर वी कितना आ गया बेटा 12, आई 2.5 इंटू 10^-3 ऊपर जाके हो जाएगा 1000, है ना, 10^-3 ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा 12 × 1000, है ना, डिवाइड बाय 2.5, फिर देखो ये पॉइंट हटा और एक 10 आ गया ऊपर। ठीक है, इसको 25 से काटने की कोशिश करो, 40 पे कटेगा ये, सोच लो आराम से, पूरी कैलकुलेशन खोल के करता हूं भाई मैं, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे, कुछ छुपा के ना करना पड़े, आप देख लो 12 × 48 हो गया, 20 और लग गए, ना मुझे दिक्कत होती ना आपको दिक्कत होती, 4800 ओम। ठीक है जी, 12 × 4 = 48 और 20 थे तो 00 लग गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक ग्राफ पर क्वेश्चन आया जी, किया था ना ग्राफ, रेजिस्टेंस की बात हो रही थी जहां पर, है ना, आप जानते हैं इस टॉपिक को मैं फिर से लिख रहा हूं यहां शॉर्ट में, कि स्लोप अगर आप VI कर्व का निकालो, देखो यहां V है V और इधर I है ना, यहां करंट लिया गया है,
यहां वोल्टेज ली गई है, ठीक है। तो वीआई कर्व है ये, वीआई ग्राफ है ये, वीआई ग्राफ है ये, तो आप जानते हो इसका स्लोप आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। ये थ्योरी का पार्ट है, ये थ्योरी का पार्ट है, ये थ्योरी है कि वीआई का स्लोप आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी डिवाइड बाय बी, और पी यानी परपेंडिकुलर, और थीटा क्या होता है यहां पर, ये थीटा है, ये थीटा बी के लिए, ये थीटा बी के लिए, और ये वाला थीटा ए के लिए। और कुछ बच्चे यहीं से ही देख के आंसर बता देंगे। अब सुनो ये क्या पूछ रहा है आपसे, आप सुनो पहले क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है बेटा कि भाई दो कंडक्टर हैं, दो वायर हैं, एक वायर ए है एक वायर बी है, ए का स्लोप देखा गया तो थोड़ा बड़ा था, देखो आप ध्यान से, ए का स्लोप जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसकी इंक्लिनेशन जो है वो ज्यादा है, विद द एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन इसकी ज्यादा है, इसकी इंक्लिनेशन कम है, है ना, थीटा बी स्मॉलर देन थीटा ए। तो आप एक बात बताओ, जिसका स्लोप बड़ा, वी आई ग्राफ के अंदर जिसका स्लोप बड़ा उसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी, क्योंकि स्लोप का मतलब टेन थीटा, और थीटा देखो बड़ा है, थीटा बड़ा है ए का, थीटा छोटा है बी का, तो पी बाय बी की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी, तो उस हिसाब से आर भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, हा या ना। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप इस गिव जस्टिफिकेशन बोल रहे हो ना, बोलना ही चाहिए, जस्टिफाई तो आप इसको कर ही सकते हो, क्यों, क्योंकि ए का स्लोप बड़ा है, ठीक है। आप इसको लिखोगे कि स्लोप ऑफ वी आई कर्व गिव्स अस रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वी आई ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। सो हेयर द स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको बाद में, ठीक है ना, ए का स्लोप बी के स्लोप से ज्यादा है, इसलिए ए की रेजिस्टेंस बी की रेजिस्टेंस से ज्यादा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, ठीक है, देयरफॉर आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। और अगर आर बड़ा हो गया है, आर बड़ा हो गया है और लेंथ सेम है, थिकनेस यानी एरिया भी सेम है, एल भी सेम है ना, और एरिया भी सेम, तो रेजिस्टिविटी तो रो होती है, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी भी किसकी बड़ी होगी, इसी की बड़ी होगी, क्योंकि अब यही डिपेंडेंसी बची है, तो रो भी बड़ा होगा ए का एज कंपेयर टू बी, एज वी नो एल एंड ए आर सेम, है ना, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, रेजिस्टेंस बड़ी क्यों है, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ी है इसलिए, तो आपको कारण भी मिल रहा है यहां पर एट द एंड, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय होता है यार, आर इज इक्वल टू रो एल बाय होता है, एल भी कॉन्स्टेंट ए भी कॉन्स्टेंट, तो आर किसके प्रोपोर्शनल बचा, रो के ही तो प्रोपोर्शनल है फिर, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना इस चीज को, इतनी मुश्किल नहीं है ये बात, इतनी मुश्किल नहीं है ये बात। स्लोप जिसका बड़ा, रेजिस्टेंस उसकी बड़ी, स्लोप जिसका छोटा, रेजिस्टेंस उसकी छोटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात आ गई। अब आप जानते हो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में फर्क क्या होता है, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको रो से करते हैं, दोनों के बीच में फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। इसमें से एल मीटर में निकाली जाती है, एरिया मीटर स्क्वायर में, ओम मीटर, ओम एम ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, ओम एम, ठीक है, और इसको ओम में, इसको मैंने डिराइव भी करना सिखाया हुआ आपको, किस तरीके से आपको इसको डिराइव करना है, मतलब इसकी यूनिट को कैसे फाइंड करना है आपने, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में यही एक रिश्ता है बस, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको पढ़ना हो यहां पर। अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है, लेकिन काफी पहले आया बोर्ड में, 2013 में आया शायद या 12 में आया ये, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट होना चाहिए। गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, सुनना ध्यान से, एक वायर है एल लेंथ की, जिसका एरिया ए है, ठीक लेंथ एल, एरिया ए, डबल कर दी गई ऑन इटसेल्फ, माने फोल्ड कर दी, रोटी फोल्ड होती है ना, जैसे लंच में आती है, पहले रोटी ऐसे होती है फिर ऐसे फोल्ड होती है, तो वही किया गया इसको, तो ऐसे थी ये वायर, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, माने ऐसे कर दिए,
ऐसे कर दी, समझ गए? लेंथ कितनी रह गई अब इस तार की, एल बाय टू, देख लो आराम से, आराम से देख लो, आधी में फोल्ड करिए तो एल बाय टू, एरिया कितना हो गया यार, बढ़ गया क्या? ए का टू ए, कह रहा है दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, एक और बार ऐसा किया गया है, माने एक और बार इसको फोल्ड कर दिया गया। अब मैं फिगर बनाऊंगा तो बड़ी अजीब सी हो जाएगी वो, है ना? आप, मैं चलो ट्राई करता हूं, ऐसी है ना, और ऐसी, ओके ऐसी, मतलब मैं क्या टाइम पास कर रहा हूं यार, तुम बात समझ गए ना मेरी? एक बार इसको और फोल्ड कर दिया गया, ठीक है, क्यों करवाते हो ऐसे काम? L रह गया L बाय फोर, हां या ना, सोचो सोचो, आधी की भी आधी और एरिया डबल का भी डबल, यानी फोर टाइम्स, तो A A A A चार गुना, फोर टाइम्स A, सोच लो आराम से, सोचो सोचो आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो दो बार एक प्रोसेस रिपीट किया गया, एक बार फोल्ड किया फिर दो बार फोल्ड किया, तो मम्मी कभी कभी ऐसे करते ना, दो बार फोल्ड कर देते रोटी को, वही किया गया, दो बार रोटी फोल्ड कर दी है, ठीक है? तो कह रहा है भाई हां, अब रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आएगा, तो आप एक काम करो ना, आपको ये पता है, मतलब ये वन, ये फर्स्ट केस है और ये सेकेंड केस है और ये थर्ड केस है ना, तो आपको फर्स्ट और थर्ड में डील करनी है, बीच वाले से तो मतलब नहीं आपको, ये तो ट्रांजिशन टाइम था, वह ट्रांजिशन स्टेट थी, ये तो यहां से यहां चल करके आए हो आप, तो आपको ये पैरामीटर यूज करके, आओ लिखें, आओ लिखें, ये पैरामीटर यूज करके रेजिस्टेंस आर वन इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इक्वेशन नंबर वन, इसको यूज करके लिखते हैं आर टू इज इक्वल टू रो, रो यानी रेजिस्टिविटी, वो तो मेटेरियल तो वही रहेगा ना, मटेरियल थोड़ी चेंज हो जाएगा, रो एल कितना हो गया, एल बाय फोर, और एरिया कितना हो गया, चार गुना ए, फोर टाइम्स ए, समझ रहे हो बात को? ये फोर फोर सा सिक्सटीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्सटीन रो एल डिवाइड बाय ए, इक्वेशन नंबर टू। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, याद करो, फिर क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना, डिवाइडिंग टू बाय वन, जैसे मर्जी लिख लो इसको, ठीक है, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड, आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड, तो आर टू डिवाइड बाय आर वन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्सटीन रो एल बाय ए अपॉन रो एल बाय ए, रो एल बाय ए से रो एल बाय ए कट गया, एक बटा सोलह बच गया, है ना, आर वन वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैथ्स बता रही है अपने आप, आर वन वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां आर टू था सॉरी, है ना, वहां आर वन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वन डिवाइड बाय सोलह। तो भाई किस फैक्टर से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ या चेंज हुआ, बाय व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, वन बाय सिक्सटीन है वो फैक्टर, ऐसे लिखा जाएगा, वन सिक्सटींथ रह जाएगी, एक बटा सोलह हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब अगर पहले सोलह थी तो अब एक रह जाएगी, ये सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों टू वायर्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंड हैव इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है जी, कह रहा है कि लेंथ भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं गिवन लिख लेते हैं पहले, तो वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक, लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, मतलब दो कंडक्टर भाई ने दिए हुए हैं, दो वायर दी हुई है ए और बी, उसमें से दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों में रुकावट भी बराबर है, रेजिस्टेंस भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है, अब क्या कह रहा है, अच्छा मोटी कौन सी होगी, थिकर कौन सी होगी दोनों में से, ठीक है ना, तो इसको निकालना पड़ेगा भाई, देखो जी ओरली भी हो सकता है वैसे ये सवाल, ये क्वेश्चन ओरली भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन करते हैं इसको, ठीक है, करना भी तो सीखना पड़ेगा आपको, कि आपको लिखना क्या है, सुनिए, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब रो की बात कर रहा है, कह रहा है कि रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन रो ऑफ बी, तो कह रहा है कि एरिया पर क्या असर पड़ेगा, मतलब एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, बड़ा होगा छोटा होगा इक्वल होगा नहीं होगा क्या होगा, देखते हैं, ठीक है देखते हैं,
चलो ग्रीन ले लेते हैं आज, ठीक है। देखो जी, रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। अब एक काम करते हैं ना भाई, हम लोग रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सही है। एक बार A के लिए लिखते हैं, एक बार B के लिए लिखते हैं, दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या होता है, सही है ना। एक बार A के लिए लिख लो, एक बार B के लिए लिख लो, दोनों को डिवाइड कर दो, सबसे आसान तरीका। तो आर ए रो ए एल ए ए ए, इक्वेशन नंबर वन, बोलो सही। आर बी रो बी एल बी ए बी, इक्वेशन नंबर टू, डिवाइड कर दो दोनों को। यहीं डिवाइड कर दूं, इधर डिवाइड कर देता हूं, चलो ठीक है। लो लो इसको यहीं डिवाइड कर देते हैं, ये लो जी, ठीक है। अब एक बार बताओ, आर ए आर बी इक्वल है या नहीं, कट जाएगा। एल ए एल बी इक्वल है या नहीं, कट जाएगा। बचे कौन कौन, बचा इधर इधर तो वन वन, इधर रो ए बाय ए ए, इधर रो बी बाय ए बी, समझना। इधर तो वन वन बच गए, इधर रो ए बाय ए ए, इधर रो बी बाय ए बी, है ना। रेसिस्टिविटी ऑफ ए अपॉन में एरिया ऑफ ए, रेसिस्टिविटी ऑफ बी अपॉन में एरिया ऑफ बी, ठीक। इसको मैं लिख लेता हूं ढंग से, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं। देखो ग्रीन, देखो जी, तो यहां तो आ जाएगा वन बाय वन, इधर इधर आएगा रो ए अपॉन ए ए इज इक्वल टू रो बी अपॉन ए बी, है ना। मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसको ले जाके ना ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ऐसा लिखा जाएगा, देखना बेटा जरा, रो बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रो ए अपॉन ए ए। आराम से देखो, आराम से देखो, बोलो सही है ना। ये यहां चला गया, रो बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू रो ए अपॉन ए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं ये बात जानता हूं, नहीं अभी नहीं जानता, अभी जानूंगा, ए बी जाके वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन, है ना, रेसिस्टिविटी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, ठीक है। देखो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, इस रो बी को नीचे लेके जाता हूं रो ए के, इस ए ए को लेकर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, किसी को नहीं छोड़ना, रो बी इसके नीचे, ए ए यहां, ए बी वहां, तो ये ऐसा हो जाएगा। मतलब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ए ए ऊपर अपॉन में तो ए बी है ही ना, यहां वन कर देते हैं अपॉन में, यानी ए बी को भी उधर ले जाता हूं, क्योंकि कंपैरिजन करना है बेटा मुझे, इसलिए तरीका नहीं मेरे पास और कोई, कंपैरिजन करना पड़ेगा। वैल्यूज तो दे नहीं रखी है कुछ, कोई वैल्यू दे रखी होती तो पुट करके मैं रेशियो वेशियो निकाल लेता, समझ रहे हो ना बात को, तो इसलिए मुझे कंपेयरिंग करनी पड़ेगी, इसलिए करना पड़ता है थोड़ा ट्रांसपोज, ए ए ऊपर रो बी नीचे, तो रो ए बाय रो बी हो जाएगा, ये तो रो ए बाय रो बी हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ए बी जाकर के वहां मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। यहां मैं रबर लेके इसको मिटा देता हूं, इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि डिवाइड बाय ए होना ना होना एक, और डिवाइड बाय वन होना ना होना एक ही बात है, ठीक है। अब एक बात, इसकी शक्ल देख के बताओ मुझे, इसकी शक्ल देख के बताओ, रो ए रो बी से बड़ा है हां या ना, रो ए रो बी से बड़ा है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है, और न्यूमरेटर बड़ा होने से ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू इंक्रीमेंट वाली साइड पर होगी, बोलो मानते हो कि नहीं मानते। यानी आरएचएस जो है वो बड़ा है, तो आरएचएस किसको डिनोट कर रहा है, किसको बता रहा है, ए ए को बता रहा है, बात समझना। रो ए इज ग्रेटर देन रो बी, इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है वो इससे कुछ मल्टीप्लाई होकर के इसको बड़ा कर रही है, यानी बड़ा कौन हुआ, ए, बड़ा कौन हुआ, ए, ए वायर इज थिकर देन बी, ये है सिस्टम। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की ज्ञान चाहिए इसको करने के लिए यार, थोड़ा सा ना मैथमेटिकल ज्ञान चाहिए। देखो ऐसे नहीं आया ना समझ में, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इस ए बी को नीचे लेके आओ एक बार, और फिर सोचो, ए ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू रो ए अपॉन रो बी, रो ए बड़ा हो रहा है, रो बी छोटा हो रहा है, रो बी, रो ए बड़ा रो बी छोटा, रेशियो देखो, अब जिस रेशियो में वो बढ़ रहा है उस रेशियो में ए भी बड़ा ही होगा, तो ए ए बड़ा ही होगा ए बी से, क्योंकि ए ए इज समथिंग टाइम्स ए बी,
ए बी से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तब ए मिल रहा है, यानी ए ज्यादा तगड़ा है, ए ज्यादा बड़ा है, ए बी से कुछ मल्टीप्लाई पांच हो रहा है, कुछ छह हो रहा है, कुछ दस हो रहा है, कुछ बीस हो रहा है, कुछ भी हो रहा हो मल्टीप्लाई, मतलब वो वन से नीचे नहीं होना चाहिए लेकिन, ठीक है ना, तो उस उतना तो नहीं होगा क्योंकि रो ए बड़ा है रो बी से, इसलिए ठीक है ना, तो वन से छोटा तो नहीं होने वाला, पॉइंट वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री तो नहीं होने वाला टाइम्स ए बी, ठीक है ना, थोड़ी सी मैथमेटिकल अप्रोच इसके अंदर चाहिए बेटा आपको, ठीक है, सोचना आराम से, चिंतन करना, फिर बताना आया नहीं आया समझ में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि मोटी होगी तार ए और पतली होगी तार बी। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा मशहूर है, ये एक बार 13 में नहीं है, कई बार आया हुआ है, 13 नहीं 18 में भी आया हुआ है ये, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी था ये, पिछले एक दो साल पहले की बात है ये, ठीक है। तो फिगर बिलो शोज थ्री सिलेंड्रिकल कॉपर कंडक्टर्स अलोंग विद देयर फेस एरियाज एंड लेंथ डिस्कस इन विद ज्योमेट्रिकल शेप द रेजिस्टेंस विल बी हाईएस्ट, इन तीनों में से हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसकी होगी। एक काम करना बेटा, इसको आर वन ले ले, इसको आर टू ले ले, इसको आर थ्री ले लो, कंपेयर कर लो तीनों को, क्या दिक्कत है, आओ जी करते हैं, है तो तीनों रो ही ना, ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो, कोई दिक्कत नहीं। आर वन इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये इक्वेशन नंबर वन। आर टू इज इक्वल टू रो टू एल अपॉन ए बाय टू, ऊपर जाके पलट जाएगा, फोर टाइम्स रो एल बाय ए हो गया, देख ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देखियो, a by 2 है ना ये, तो इसका 2 जाके वहां मल्टीप्लाई हो गया, 4 टाइम्स रो l by हो गया। ऐसी r3 को देखो, लिखते हैं r3 इज इक्वल टू रो l by 2 और 2a, तो 2 2 सा 4 हो गया, ये यहां से आ गया r3 इज इक्वल टू 1 by 4, ध्यान देना 2 2 सा 4 हो रहा है डिनोमिनेटर में, बाकी का रो l by a ही है ना। अब आप खुद ही कंपेयर करके बताओ जरा, है ना, अगर मैं इन तीनों का रेशियो भी इस तरीके से लिखूं, वैसे ऐसा मल्टीपल रेशियो आपने बचपन में ही कभी लिखा होगा, उसके बाद हो सकता है कभी ना लिखा हो, ठीक है। तो ये पता कैसा है, ये कुछ ऐसा है 1:4:1/4, ये कुछ ऐसा है। तो आप खुद ही बताओ अब आर वन आर टू आर थ्री में से हाइएस्ट कौन है, ये तो 1/4 हो गया, ये 1 है और ये 4 है, तो आंसर है 2, आंसर इज आर टू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए भाई, आर सीरीज क्या होता है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और ऐसी आर पैरेलल क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, यूज करते हैं ये वैल्यूज बोर्ड वालों की है, ठीक है, तो भाई ध्यान से थोड़ा, बोर्ड वालों की वैल्यूज, बोर्ड वालों की वैल्यूज हैं, ऐसी होती है पॉइंटो वॉइंटो में, देखते हैं कैसा आता है ये, ठीक है। देखो पहले तो बेटा इन दोनों को निपटाऊंगा मैं, थ्री और वन को, कमजोर कड़ी कौन वो देखो, ठीक है ना, कमजोर कड़ी कौन, तीन और एक चार हो जाएगा, तीन और एक चार हो जाएगा, तो सबसे पहले मुझे सीरीज में दिखे हैं दोनों, तीन और चार, तीन और एक, सॉरी तीन और एक मिलकर के कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ठीक है, तो तीन और एक का आ गया 4 ओम। मैं इसको रीड्रॉ करके आपको दिखाता हूं कैसे रीड्रॉ करना है, ये रीड्रॉइंग में आलस मत करना भाई, रीड्रॉ कर लिया करो, ये वाला 3.6 है ना, हाँ 3.6, और ये वाला तो 6 है, इसको तो छेड़ा ही नहीं अभी तक, इन दोनों को छेड़ा है हमने, तो एक और तीन मिलकर के 4 हो गया, और फिर इसको भी नहीं छेड़ा, ये भी तीनों में, और नीचे बैटरी है वो जो भी है, ठीक है कोई बात नहीं, पहले टोटल रेजिस्टेंस तो निकालें, ठीक है ना, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाले फिर तो हम करंट निकाल पाएंगे, पहले आरटी निकले तो आई निकलेगा, करंट नहीं निकलेगा बिना टोटल रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। अब इन दोनों पर आ गई बात, 6 और 4 पर देखो किस में दिख रहे हैं आपको, ये पैरेलल में, हाँ या ना, ये 6 और 4 किस में दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल में, आओ सॉल्व करें, आओ सॉल्व करें इसको, 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, ठीक है जी, एलसीएम ले लो, 4 और 6 का एलसीएम, मैं तो 24 ही लिख दूंगा सीधा, 6 हो गया 4 हो गया 10 आ गया, 10 डिवाइड बाय 2.4 सॉरी 24, तो 2.4 हो जाएगा ये, ठीक है, 10 डिवाइड बाय 24, इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, आरपी आ गया 10 यानी 2.4 ओम, ठीक है। अभी आर पैरेलल आया यानी इन दोनों को निपटाया अभी, तो हमने अभी ये दोनों निपटे हैं, फिर से एक और बार ड्रॉ करूंगा इसको, फिर से रीड्रॉइंग होगी इसकी,
ठीक है, ये रीड्रॉइंग बाद में ना माइंड में होएगी आपके, अभी तो करनी पड़ रही है, बाद में माइंड में हो जाएगा, है ना। 3.6 नहीं छेड़ा मैंने अभी तक, 6 और 4 को मैं निपटा चुका हूं, 6 और 4 को मैंने निपटाया, मेरा आंसर आया 2.4 और ये 3। अब बताओ मुझे ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सीरीज में है बेटा, तीनों को सीधा सीधा ऐड कर दूंगा मैं, ये तीनों हो गए सीधा सीधा ऐड, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, आर सीरीज इज इक्वल टू 3.6 प्लस 2.4, ये तो 6 हो रहा है, प्लस 3, ठीक है, तो टोटल 9 ओम आ गया, ये 9 ओम हो गया टोटल, ठीक है ना, 3.6 और 2.4 5 और 6 और 3 9 ओम हो गया, ठीक है, तो टोटल आ गया 9 ओम, ठीक है जी, टोटल आ गया 9 ओम, यानी आरटी हमको मिल गया 9 ओम, वी कितना है 4.5 है, ठीक है, वोल्टेज कितनी है 4.5 वोल्ट है, करंट आपको निकालना है, निकाल सकते हैं बड़े प्यार से, फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, वी कितना है बेटा 4.5, करंट हम नहीं जानते, आर 9 है, ये इसके डिवाइड में जाएगा, 4.5 डिवाइड बाय 9, 1 से 2 से करंट आ गया हाफ एम्पियर, 0.5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब देखो कहानी यहां तक खत्म नहीं हुई है, ये कह रहा है कि भाई करंट तो चलो तुमने निकाल लिया, ये करंट आ गया, कितना आ गया करंट, आधा हाफ एम्पियर आ गया, ठीक है ना, ये हाफ ऑफ द एम्पियर इसमें भी घुसेगा, इन दोनों में भी जाएगा, फिर इकट्ठा हो जाएगा और फिर इस तीन ओम वाले में जाएगा, तो पूछता है कि वोल्टेज ड्रॉप निकालो 3 ओम के अक्रॉस, माने यहां समझ लो आप कि कोई वोल्टमीटर लगा रखा है, इसकी रीडिंग बतानी है आपको, इस वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है आपको, क्या करोगे, इधर देखो कैसे करोगे इसको भाई, इस तक में भी तो करंट 0.5 ही जा रहा है, मतलब इसमें भी तो करंट कितना है 0.5 एम्पियर है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है 3 ओम, इसमें करंट कितना जा रहा है आधा एम्पियर, लगाओ यहां पर V इज इक्वल टू आई आर और आंसर निकाल लोगे आप, देखो जी V इज इक्वल टू आई आर, सिर्फ इसका करंट बताओ कितना है, इसमें कितना करंट जा रहा है, तो बोलोगे भाई सीरीज का कंपोनेंट है, सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए इसमें कितना जा रहा है 0.5, इसका खुद का आर कितना है 3 ओम, ठीक है 1.5 वोल्ट्स आ गया आंसर, ठीक है, बोर्ड का है, देख लो, नजर मार लो आराम से, ठीक है, तो मेहनत करवाता है भाई, मेहनत करवाएगा, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर फॉर्मूला आप जानते हो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, फेमस फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जूल में निकलता है, ये करंट निकलता है एम्पियर्स में, रेजिस्टेंस निकलती है ओम में, टाइम तब निकलता है सेकंड्स में, ठीक है, कभी कभी किलो वॉट आर के अंदर भी एनर्जी निकलती है, आप जानते हो इस बात को, किलो वॉट आर कब निकलती है, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएं, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम लगाएंगे हम, पावर की यूनिट होती है वॉट, जिसको बड़ा करके किलो वॉट लिखते हैं, टाइम की होती है सेकंड, जिसको बड़ा करके आर लिखते हैं, तो बन जाता है किलो वॉट आर, ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर का फॉर्मूला देखो भाई जरा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पावर के, पी इज इक्वल टू V टाइम्स I, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और P इज इक्वल टू I स्क्वायर टाइम्स R, तीन फॉर्मूले हैं, 1, 2, 3, ठीक है, कब कौन सा लगेगा कब कौन सा नहीं लगेगा ये आपकी विवेक बुद्धि पे डिपेंड करता है, अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि कब लगेगा, ठीक है जी, देख लेते हैं, एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड 2 एम्पियर, भाई फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज का काम होता है कि अगर पीछे से करंट ज्यादा आ गया जितना वो होल्ड नहीं कर पाया तो फ्यूज जल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी, करंट खत्म, जीरो हो जाएगा, आगे करंट बढ़ ही नहीं पाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होते करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो वही वाली बात है, वो कह रहा है कि एक फ्यूज है जिसकी रेटिंग है 2 एम्पीयर, यानी 2.1 भी अगर हो गया ना जल जाएगा ये,
दो एम्पियर टच करने के बाद ये जल जाएगा, दो एम्पियर तक ये होल्ड कर सकता है अभी फिलहाल के लिए, इसका ही मतलब है। व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट का यही मतलब हो गया, ठीक है। लिख सकते हो आप लोग अंग्रेजी में इस बात को, है ना। एन इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1 kilowatt इज ऑपरेटेड एट 220 volt, गिवन लिख लेते हैं जी, गिवन लिख लेते हैं। बी पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, ए पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। बी पार्ट का गिवन पावर दे रखी है 1 kilowatt यानी 1000 watt, नीड आती है तो यूज कर लेना, नहीं तो 1 kilowatt तो जिंदाबाद है ही, ठीक है ना। नीड आती है तो 1000 watt यूज कर सकते हो, 1 kilowatt का मतलब 1000 watt। वोल्टेज कितनी दे रखी है 220 volt, 220 volts। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere कैन बी यूज इन इट। मतलब बाजार से आप 3 ही फ्यूज खरीद करके लाए और थे ही नहीं उसके पास, एक 1 ampere का, एक 3 ampere का, एक 5 ampere का, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लगना चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा लगना चाहिए? सिंपल फॉर्मूला लगा करके देख लो यार, पी इज इक्वल टू वी आई लगाओ, आई की वैल्यू निकाल के देखो इन दोनों से। आओ करते हैं, 1000 यही लगेगा भाई, ठीक है ना। अच्छा किया कन्वर्ट कर लिया, वोल्टेज को 220 और करंट को आई, यहां से करंट निकल के आएगा 1000/220, ठीक है ना। ये कट गया, और काटना है और काट लो 50 पर, है ना। और I इज इक्वल टू 50/11 आया ना, तो आप खुद देखो कि 11 × 11 मैंने सही किया है ना भाई, 0 0 कट गया, 2 से काटा 11 और 50, ठीक है एकदम, है ना। 11 × 11 11 × 4 = 44, 44 से मतलब थोड़ा ज्यादा है ना, 4 पॉइंट कुछ और आएगा, तो इसका मतलब सबसे बढ़िया फ्यूज तो 5 एम्पीयर का ही रहेगा। ये तो बोल जाएंगे दोनों फ्यूज, ये तो फुक जाएंगे दोनों, है ना। तो आप इसका फॉर्मूला मतलब जो भी निकाल करके आंसर, उसके बाद आप ये बताओगे भाई 5 एम्पीयर का फ्यूज ही मैं यूज करूंगा इसके अंदर, वही सबसे सेफ ऑप्शन है, इसके अलावा कोई सेफ ऑप्शन नहीं है। एक लाइन जरूर ऐड करनी पड़ेगी इंग्लिश में, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm लिख लेते हैं बेटा, इसको गिवन लिखते जाओ और करते जाओ। करंट कितना है 15 एम्पीयर है, खुद से ट्राई करना, मैं भी लिख रहा हूं, पॉज कर लेना, टाइम दे रखा है 2 घंटे। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, ये बहुत चालू है, ये बहुत चलाक है, इसने रेट शब्द बोल दिया यहां पर। पता क्या पूछ रहा है ये, एनर्जी नहीं पूछ रहा है ये एनर्जी नहीं पूछ रहा, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड यानी रेट ऑफ एनर्जी यानी पावर, इसने ना पावर पूछ लिया यहां पर, ध्यान देना। बच्चा समझता है हीट, हीट यानी एनर्जी यानी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगाएगा और गलत हो जाएगा, पावर पूछ रहा है बेटा ये, ठीक है। तो आपको टाइम की तो जरूरत पड़ती नहीं, टाइम की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। फॉर्मूला पावर का क्या है, 3 फॉर्मूले थे पावर के, उसमें से कौन सा यहां लगेगा खुद बताओ। चलो क्या वी स्क्वायर बाय आर लगाऊं, वी दिख रहा है, वी आई लगाऊं, वी दिख रहा है, आई स्क्वायर आर लगाऊंगा यहां और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। आई कितना है 15 का स्क्वायर कर लो और 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 225 मल्टीप्लाई बाय 8 जो निकल के आया वाट में लिख दियो। चल आगे बढ़ते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन, बोर्ड में नहीं आया हुआ क्वेश्चन ये, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, तो भरोसा तो कोई नहीं है, ठीक है ना। जब एनसीईआरटी ने अपने पास बंदूकें रखी हुई हैं तो कोई भी चल सकती है फिर, ठीक है ना। तो हर बंदूक चलानी आपको आनी चाहिए, मतलब उसका सामना करना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन, दोनों ठीक है, ठीक है। हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ इतना 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 इतना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा है 220 वोल्ट आपको गिवन है, वोल्टेज गिवन है, सोर्स गिवन है, कनेक्ट करो चलाओ, ठीक है, लेकिन 5 ampere से ज्यादा करंट मत निकालना उसमें से, मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 ampere, ठीक है जी। ये हम लिख लेते हैं कि भाई टोटल वोल्टेज 220 से ऊपर नहीं मिलेगी और टोटल करंट 5 ampere से ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम आगे जाकर के, इसलिए दे रखा है ये, ठीक है ना, इसको कहीं ना कहीं यूज करेंगे आगे जाकर। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 वॉट के बल्ब है, कितने ज्वाइन करूं, 10 वॉट के बल्ब है कितने ज्वाइन करूं 220 वोल्ट पर के 5 ampere से ज्यादा करंट कभी ना निकले। देखो आराम से, आराम से, हम लोग पैरेलल में डील कर रहे हैं, यानी हमने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी,
तो एक काम करते हैं ना, हम एक बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले। एक बल्ब की बात कर रहा ना ये, एक बल्ब की पावर इसने बताई है 10 वॉट, उस पर लगने वाली वोल्टेज 220 वोल्ट। यहां से हम आर निकाल लेते हैं, आर ऑफ वन बल्ब फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पी की जगह पर 10, वी की जगह पर 220 का स्क्वायर और अपॉन में आर, है ना। आर निकल जाएगा यहां से, आर ऊपर 10 नीचे, आओ निकालते हैं। आर इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 22 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा 484, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 के आगे जीरो और लग जाएगा तो हो जाएगा 448 और 40 ओम, 4840 ओम, ठीक है ना। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, ये एक बल्ब की रेजिस्टेंस है, ध्यान देना। लेकिन आपको तो पता ही नहीं अभी कितने बल्ब लगाने हैं, तो एक काम करते हैं ना, हम वैसा ही कुछ करेंगे जैसा हमने लेक्चर के बीच में किया था जब हम रेजिस्टेंस को सॉल्व कर रहे थे। क्या, यहां देखो भाई, नहीं पता ना कितने लगाने हैं, नहीं पता ना, एन मान लो, नहीं पता तो एन मान लो। आप ऐसा मानो भाई, एक बल्ब लगाया था, पता नहीं और लगाते गए, पता नहीं और लगाते गए, और पता नहीं कितने लगाते गए, तो एन लगाते गए, है ना, एन लगाते गए। यानी ये 4840 रेजिस्टेंस वाली, 4840 करते पैरेलल में लगाए जा रहे हैं इसको, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इससे ये दोनों चीजें इक्वेट हो जाएंगी हमारी, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840 एन टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन ना एक झटके में खत्म हो सकता है, सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हो सकता है, लेकिन बोर्ड के अंदर चलेगा नहीं, बोर्ड के अंदर वो शॉर्टकट चलेगा नहीं, वो सीधा शॉर्टकट लगता है एन टाइम्स पावर का, टोटल पावर इज इक्वल टू एन टाइम्स पावर, वो शॉर्टकट यहां चलेगा नहीं, है ना। आपको ऐसे रेजिस्टेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बच्चे ये बन जाएगा, देख 1/RT इज इक्वल टू एन टाइम्स 1/4840। अब तूने एन निकालना है ना, आरटी यहां से निकल जाएगा क्योंकि टोटल वोल्टेज यहां है, टोटल करंट यहां है, टोटल रेजिस्टेंस भी यहीं से निकलेगी। आरटी इज इक्वल टू V/I, ओम्स लॉ लगाया मैंने यहां पर, कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, 220 और अपॉन में 5, 4 और 4, 44, तो आरटी निकल के आया बेटा 44 ओम, 5 4 से 20, 5 4, यहां रख दो, यहां रख दो 1/44 इज इक्वल टू एन अपॉन 4840, 4840 ऊपर चला जाएगा और एन निकल के आएगा 4840 डिवाइड बाय 44, ठीक है ना। मुझे ध्यान है कि मैंने इसको 11 से काट लेते, चलो 11 फोर जा 4 और आया, 440 आया, 440 वोल्ट के झटके लग गए क्या, 110 बल्ब आ गए, ठीक है, तो N आ गया 110 बल्ब्स। ये आंसर है आपका, चेक कर लो भाई, ठीक है, ये आंसर है। मानता हूं आसान क्वेश्चन नहीं है, लेबोरियस क्वेश्चन है, मेहनत करवाता है वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, लेकिन आना चाहिए आपको करना। विच यूज इज मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी सेट इन 1 घंटा और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। कंपेयर कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, पावर कितनी है, 250 वॉट है टीवी सेट की और टाइम 1 घंटा है, ये टीवी की बात हो रही है, टीवी सेट की, और यहां टोस्टर की कर लेते हैं, यहां टोस्टर की कर लेते हैं, ये टीवी सेट की हो रही है। टोस्टर पावर दे रखी है 1200 वॉट, टाइम दे रखा है 10 मिनट, मिनट में कोई बात होती है क्या यार, कितनी गलत बात है ये, इसको 60 से डिवाइड करो, 1/6 घंटे, घंटों में बात करो या फिर सेकंड से बात करो, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम, विच यूज इज मोर एनर्जी, कह रहा है ना यार, तो पी इज इक्वल टू E/T, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, यहां से ई को पी इंटू टी कर लिया, पावर कितनी है 250,
टाइम कितना है, एक घंटा, लेकिन पावर को वाट में नहीं किलो वाट में ले तो ज्यादा अच्छा रहता है, 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 किलो वाट आर। ये आगे एनर्जी टीवी सेट की, इसकी बात कर, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, फिर से लगाया पावर कितना है 1200, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अच्छी बात नहीं है इसको वाट में रखना, और ये 1/6 कर दिया, 20 से 20 कट गए, 6 से 2 पे कट गया, 2/10 होता है जी 1/5 होता है जी 0.2 किलो वाट आर। चेक कर लो किसने ज्यादा एनर्जी खपाई है, 0.2 बड़ा या 0.25 बड़ा, आंसर है 0.25 बड़ा। टीवी कम देखो, शिक्षा ये मिल रही है, बिल तुम्हें नहीं भरना पड़ता, बात ये है बिल भरना पड़ता है पापा मम्मी को, है ना, बिल तो घर वाले भरते हैं, हम तो सिर्फ खर्चा करते हैं। 3 बल्ब्स ईच हैविंग पावर पी आर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, अनदर सर्किट, अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब्स ऑफ सेम पावर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। ओके, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 बल्ब हैं जी, 3 बल्ब हैं सेम पावर के, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है, वी वोल्टेज सोर्स से सीरीज में कनेक्टेड है, ये अच्छी बात नहीं है। इन अनदर सर्किट अनदर सेट ऑफ 3 बल्ब ऑफ सेम पावर कनेक्टेड पर, ठीक है, यानी 3 और बल्ब हैं पीपीपी, है ना, कह रहा इनको पैरेलल में जोड़ रखा है, कह रहा विल द बल्ब्स इन बोथ द सर्किट्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये तीनों की रोशनी और इन तीनों की रोशनी सेम होगी? आंसर है नहीं, सेम नहीं होगी। पूछो क्यों? सेम इसलिए नहीं होगी बेटा क्योंकि पावर के निकलने के लिए ना प्रॉपर वोल्टेज उसके अक्रॉस पड़ना जरूरी है, तो वो तो सिर्फ यही हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, इसलिए डोमेस्टिक सर्किट्स को सीरीज में कनेक्ट नहीं करते, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं कि पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, आपको ढूंढने हैं वो रीजंस, ठीक है ना। अगले चैप्टर के अंदर वैसे बात कर लेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स के अंदर इस चीज की, लेकिन रिसर्च करो थोड़ी सी, है ना। अब ये वोल्टेज है, अब भाई यहां पर वी तो नहीं पड़ने वाली ना, इधर वोल्टेज वी नहीं पड़ेगी, यहां पड़ेगी वी बाय थ्री, यहां भी पड़ेगी वी बाय थ्री, यहां भी पड़ेगी वी बाय थ्री। अरे डिवाइड होती है वोल्टेज सीरीज में, लेकिन यहां पर तो सेम पड़ेगी, इधर भी वी, इधर भी वी, इधर भी वी, तो यहां वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है, ग्लो ज्यादा इधर आएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, यही तो होता है फॉर्मूला, आर तो सब जगह उतना ही है, वी पे ही सब चीजें डिपेंड कर रही है, फिर पावर ज्यादा कब होगी, वी अच्छा खासा होगा तब जब, ठीक है ना। तो जस्टिफाई कर दिया मैंने अपने आंसर को। नाउ लेट 1 बल्ब इन ईच सर्किट गेट फ्यूज्ड, ओ भाई कह रहा है कि एक बल्ब जो है ना वो फ्यूज हो गया है, कोई भी एक बल्ब हो सकता है वो, और आपको फ्यूज का मतलब पता है ना क्या होता है, ये हो गया है, पहले कनेक्शन था अब कनेक्शन नहीं है, टूट गया कनेक्शन, यही होता है फ्यूज का मतलब, उखड़ जाना तारों का, तारे जो मिली थी ना जॉइंट थी वो अलग अलग हो जाएंगी, तो अलग अलग हो जाएंगे तो करंट बहेगा क्या, इसमें बताओ करंट बहेगा क्या, सर्किट ही ब्रेक हो गया ना तो करंट तो निकलेगा ही नहीं, तो बंद हो जाएंगे दोनों आगे वाले, वो जलेंगे, लेकिन क्यों, क्योंकि इधर से ब्रेक होगा ना, अगर होगा तो मतलब इधर से होगा ना, फिलामेंट टूटेगा तो यहां से टूटेगा फिलामेंट, तो करंट इसमें नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ये देख बेटा करंट इधर से निकला, यहां से निकला, इधर तक आया तो इसमें तो जाएगा ना, और फिर आगे तक आया बोलेगा नहीं इधर तो नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर और आगे तो जाएगा ना, तो इसमें जाएगा और वापस आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर हो गया कि सीरीज में ऐसा और पैरेलल में ऐसा, यहां कोई ग्लो नहीं होंगे, बाकी भी यहां बढ़िया ग्लो होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भाई 1, 2, 3, 4 इसके आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, ठीक है, चाहे रिसर्च करके लिखो, ठीक है, चाहे बुक में ढूंढ के लिखो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़नी ना छोड़ें, केवल और केवल वीडियोस के भरोसे ना बैठें, ठीक है, आप लोग सेल्फ स्टडी भी खूब करो, ठीक है, हम लोग हेल्प कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री चीजें हैं, 100% नहीं है ये सप्लीमेंट्री चीजें हैं,
ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी नहीं छोड़नी, सिर्फ मैं इसलिए बात कह रहा हूं, ठीक है। फिर भी मैं एक बार हिंदी पढ़ के आपको बता रहा हूं सबकी। पूछता है कि भाई टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है, अभी बात करी थी हमने पिछले लेक्चर के अंदर कि टंगस्टन क्यों यूज करते हैं बल्ब के अंदर, ठीक है ना। तो वो लेक्चर भी सुनना और रिसर्च भी करना और इसका आंसर जरूर लिखना कि फिलामेंट के अंदर टंगस्टन क्यों होता है। दूसरा कह रहा है व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रदर देन अ प्योर मेटल। कह रहे भाई जो इलेक्ट्रिक कॉइल होती है, हीटिंग कॉइल होती है, अलॉय की क्यों बनती है, प्योर मेटल की क्यों नहीं बनती। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ढूंढेंगे किताब में से, लेक्चर में से आंसर जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, कि क्यों अलॉय ही प्रेफर किया जाता है, प्योर मेटल प्रेफर नहीं किया जाता, वजह क्या है, ठीक है। वैसे आपको बताया तो वजह होती है रेजिस्टिविटी, वजह है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस कम तो हीट कम, प्योर मेटल के केस में। रेजिस्टिविटी ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा, हीट भी ज्यादा अलॉय के केस में, इसलिए अलॉय यूज किया जाता है, ठीक है ना। बाकी खुद भी रिसर्च करना थोड़ी सी। व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। अभी अभी मैं बोल रहा था ये वाली बात कि सीरीज अरेंजमेंट में सर्किट, घरों का सर्किट क्यों नहीं बनाया जाता, ठीक है ना। एक ही स्विच ऑन करने सब कुछ जल जाए, एक स्विच ऑफ करने सब बंद हो जाए, ऐसा क्यों नहीं करते, सीरीज सर्किट में क्यों नहीं कनेक्ट करते चीजों को, ठीक है। चौथा आता है वायर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। आंसर केमिस्ट्री का भी है, आंसर फिजिक्स का भी है, जो चाहो वो दे सकते हो इसके अंदर आप लोग, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस न्यूमेरिकल सेशन का मतलब फुलेस्ट नहीं है, ठीक है, ये फुलफिलिंग नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही ऐसा है जो मेहनत करवाता है आपसे, बहुत मेहनत मांगता है ये। और मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि अब हो गया बंद, अब बस करो, अब और नहीं करना, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता इस चैप्टर के अंदर। मैं बाकियों के अंदर जरूर बोल दूंगा कि भाई इतना काफी, इतना आएगा बस इतना कर जाओ। इस चैप्टर के अंदर मैं ऐसा रिस्क नहीं उठाता भाई, ठीक है ना। तो मैं तो कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट बुक से करो, वीडियोस को दोबारा देखो, पॉज करो, वहां से शुरू करो उसको करना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यहीं पर खत्म करते हैं, अलविदा कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हो, आपको तो प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।